हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारी यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे पैसेंजर होस्ट का ड्रॉप टेस्ट एंड लोड टेस्ट में क्या अंतर होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तब के आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेंजर होस्ट जो होती है स्पार्टन का, अलीमैक का, या तो फिर अलीक्राफ्ट का, या तो फिर ऐसे काफ़ी सारा मतलब लिफ्ट का कंपनी आती है। तो कोई भी लिफ्ट हो, कोई भी कंपनी का लिफ्ट हो, उसका लोड टेस्ट एंड ड्रॉप टेस्ट में क्या अंतर होती है, लोड टेस्ट कैसे किया जाते हैं और ड्रॉप टेस्ट कैसे किया जाते हैं, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करूँ लोड टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट जो है दोनों अलग अलग चीज़ें। ऐसे काफ़ी सारे ऑपरेटर को मैंने पूछा कि भाई लोड टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट में क्या अंतर होती है, तो काफ़ी सारे ऑपरेटर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम होती है। पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, लोड टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट जो होती है वो दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चेकिंग के ऊपर काम करते हैं। तो लोड टेस्ट एंड ड्रॉप टेस्ट जो है दोनों अलग चीज़ है। तो करो कोई भी कंपनी का लिफ्ट हो, अलीक्राफ्ट हो, या तो फिर अलीमैक का हो, या तो फिर स्पार्टन का हो, कोई भी कंपनी का लिफ्ट हो, लोड टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट दोनों अलग होती है। सबसे पहले जो आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो जो लिफ्ट के अंदर, अगर कोई भी लिफ्ट पहले स्टार्ट में जो उसको इरेक्शन किया जाते हैं उस टाइम जो है उसका लोड टेस्ट किया जाते हैं, लोड टेस्ट के बाद जो है उसका ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। तो लोड टेस्ट क्या होती है, सबसे पहले मानो कि आपके पास एक लिफ्ट है और जिस लिफ्ट का कैपेसिटी है 2 टन, तो क्या होती है उसमें 2 टन या तो फिर 1.5 टन का आसपास मतलब लोड उसमें भरा जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो डिस्प्ले में, उस पर ईंटा हो, ब्लॉक हो, या तो कोई भी मतलब सामान हो, भारी सामान जो 2 टन की जो लिफ्ट का कैपेसिटी है उसी की हिसाब से बराबर उस लिफ्ट में जो है लोड को लोड किया जाते हैं, और लोड करने के बाद उसको ऊपर ले जाते हैं। उसको मतलब जैसे कि 2 टन का लिफ्ट है तो 2 टन या तो 1.5 टन का लोड उसमें लोड करके उसको मतलब हाइट करते हैं, ताकि देखा जाता है कि लोड लेके जा पा रहा है कि नहीं, उसको कहते हैं लोड टेस्ट। जैसे कि देखा जाए कि 2 टन का जो लिफ्ट है कैपेसिटी है और 2 टन उसमें लोड लेके वो जा नहीं पा रहा है, तो उसमें फिर 0.5 टन कम करते हैं, 1.5 टन का लोड लेके फिर लिफ्ट को जो है रन करते हैं। तो देखा जाए कि हाँ 1.5 टन लोड लेके लिफ्ट रन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको समझते हैं कि हाँ ये जो है मतलब 2 टन कैपेसिटी वाला जो लिफ्ट है वो 1.5 टन का लोड लेके जाने में वो सक्षम है, तो इसको कहते हैं लोड टेस्ट। अब ड्रॉप टेस्ट जो कहते हैं, ड्रॉप टेस्ट क्या होती है, जैसे कि आपका 2 टन का लिफ्ट है तो उसमें 2 टन का ही मतलब उसमें लोड लोड किया जाते हैं। आपका लिफ्ट 2 टन का है तो उसमें 2 टन का लोड उसमें भरा जाएगा, और भरने के बाद उसको रिमोट के थ्रू उसको ऊपर लेके जाया जाएगा, क्योंकि वो उसमें कोई भी ऑपरेटर लिफ्ट को ऊपर नहीं लेके जाते हैं, लिफ्ट को जो है ड्रॉप टेस्ट में रिमोट के थ्रू लिफ्ट को ऊपर लेके जाया जाते हैं। तो जैसे कि लिफ्ट अभी ग्राउंड फ्लोर में है तो उसमें क्या है, 2 टन का लोड उसमें लोड किया जाएगा, 2 टन का लोड उसमें लोड करने के बाद उसको रिमोट के थ्रू लिफ्ट को ऊपर अप किया जाएगा, और करीब जो है उसको 5 से 10 मीटर की हाइट में उसको लेकर जा जाएगा, और कोई 5 मीटर, कोई 10 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर ऐसा हाइट में उसको पहले रन कराएगा, और रन करने के बाद उसको रिमोट के थ्रू उसका ब्रेक जो होती है मोटर का, ब्रेक को फेल किया जाएगा, और उसमें जो है 8 मीटर या तो फिर 10 मीटर हाइट में लिफ्ट को लेके जाके उसको रिमोट के थ्रू ही मोटर का जो ब्रेक होती है, जो उस ब्रेक को फेल किया जाएगा। तो बटन दबा के मोटर का ब्रेक फेल किया जाएगा। जो सेफ्टी डिवाइस जो होती है लिफ्ट का, उसका काम होती है मोटर का ब्रेक फेल होने के बाद लिफ्ट को पूरी तरह से रुका के रखना। तो इसी के लिए उसमें 2 टन का लोड, जितना कैपेसिटी होती है उतना ही लोड उसमें लोड किया जाएगा, और लोड करने के बाद उसको रिमोट के थ्रू ऊपर लेके जाएगा, और 5 मीटर या तो 10 मीटर ऊपर जाने के बाद रिमोट के थ्रू उसकी मोटर जो होती है, मोटर का ब्रेक को फेल किया जाएगा, और जैसे ही मोटर का ब्रेक फेल होगा तो लिफ्ट जो है स्पीड में नीचे आएगा, और थोड़ा सा 1 मीटर 1/2 मीटर आने के बाद जो है लिफ्ट को, जो लिफ्ट का सेफ्टी डिवाइस है वो लिफ्ट को लॉक करेगा। तो वही लॉक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसी को कहते हैं ड्रॉप टेस्ट। तो आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो किस तरह से ड्रॉप टेस्ट किया जाता है, लोड को पहले उसमें लोड करने का, उसके बाद रिमोट के थ्रू लेके जाने का, और लेके जाने के बाद उसको रिमोट के थ्रू मोटर का ब्रेक को फेल करने का, और जैसे ही फेल होएगा तो लोड तो उसमें भरा हुआ है तो लिफ्ट स्पीड में नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आने लगेगा तो लिफ्ट का जो सेफ्टी डिवाइस है वो लिफ्ट को रुकाएगा, वो लिफ्ट को जो है लॉक करेगा, तो उसी को कहते हैं ड्रॉप टेस्ट। तो आप जान चुके होंगे कि कोई भी पैसेंजर होस्ट हो उसका लोड टेस्ट एंड ड्रॉप टेस्ट में क्या अंतर होती है।